हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे स्टीम टरबाइन में इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन को। सबसे पहले इम्पल्स टरबाइन को समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इम्पल्स टरबाइन में, इम्पल्स जो टरबाइन होता है वो फोर्स से चलता है, उसको धक्का से चलता है। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में ये है मूविंग ब्लेड और ये है रोटर और ये है नोजल। ठीक है, इस नोजल पे जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप होता है और वेलोसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है मतलब कि जो इसमें जो होता है ये कंज्यूम करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, मतलब कि जो स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसको ये कंज्यूम करता है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है हाई वेलोसिटी, मतलब कि हाई वेलोसिटी क्रिएट करने के लिए नोजल का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इम्पल्स टरबाइन में एक नोजल होता है और एक मूविंग ब्लेड होता है। नोजल इस तरह से दिखता है और मूविंग ब्लेड इस तरह सा होता है। जब स्टीम बॉयलर से निकल कर आएगी तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लो होगी। ठीक है, जब ये टरबाइन जो नोजल के अंदर इंटर करेगा स्टीम, तो वहाँ पे जो नोजल का बेसिकली काम होता है वो प्रेशर को रिड्यूस करना और वेलोसिटी को बढ़ाना। ठीक है, और जैसे ही ये नोजल से निकलेगा हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट करेगा मूविंग ब्लेड पे, तो यहाँ पे जो मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी जो होता है वो डिक्रीज होता है और प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि ये जो मूविंग ब्लेड क्या करता है वो हाई वेलोसिटी जो स्टीम रहता है उसको ये कंज्यूम करता है और प्रेशर वहाँ पे वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसे ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे ये हाई प्रेशर स्टीम इंटर करता है। ठीक है, नोजल के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग में इनलेट में प्रेशर हाई होता है स्टीम का, देन जब ये अंदर जाता है तो क्या होता है यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता है और वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है। देन क्या होता है जब ये नोजल से बाहर निकलता है तो और मूविंग ब्लेड पे इम्पेक्ट करता है, तो वहाँ पे जो इम्पेक्ट करता है तो वेलोसिटी जो होता है वो डिक्रीज होता है और प्रेशर जो होता है सेम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होता है और प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें एक मूविंग ब्लेड और एक नोजल लगा हो तो इस एक मूविंग ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड और एक नोजल, ठीक है, कि एक सेट को सिंगल स्टेज कहते हैं। नाउ अब समझते हैं रिएक्शन टरबाइन को। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, जस्ट इस तरह से दिखता है ये, और यहाँ से इंटर करता है स्टीम और स्टीम इस तरफ से ऐसे बाहर निकलता है और इस तरफ से ऐसे बाहर निकलता है, तो दोनों तरफ के मूविंग ब्लेड से स्टीम जब बाहर निकलता है तो ये क्या होता है, ये एक रिएक्टिव फोर्स मतलब उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करने लगता है, जिससे शाफ्ट के ऊपर और ये मूव करने लगता है। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन का जो ब्लेड होता है कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, और ये जो ब्लेड है वो क्या करता है, प्रेशर को यूटिलाइज करता है। इसमें जो स्टीम जो होती है वो पहले मूविंग फिक्स ब्लेड से मूविंग ब्लेड में स्टीम जो है वो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन में कभी भी प्रेशर जो होता है वो सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें इनिशियली जो प्रेशर जो होता है, देखिए इस प्रेशर जो होता है इस ग्राफ में देखिए P1, ठीक है, P1 जो होता है वो ज़्यादा होगा P2 से। ठीक है, तो प्रेशर ये कंज्यूम होगा यहाँ पे और वेलोसिटी भी इसमें कंज्यूम होगी। ठीक है, तो प्रेशर भी कंज्यूम होगा और वेलोसिटी भी कंज्यूम होगा, सो दैट प्रेशर P1 to P2। ठीक है, प्रेशर P1 ऑलवेज ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो इसी जो प्रेशर डिफरेंस को क्या बोलेंगे,
रिएक्शन, क्या बोलेंगे, रिएक्शन।